वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं और राहुल हम दोनों जा रहे हैं ठाणे। एक्चुअली आपने जो थंबनेल देखा है और टाइटल पढ़ा है वो सही है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी कहानी मैं आपको बाइक पे चलते चलते बताऊंगा। उसके पहले मैं और राहुल ठाणे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो गार्ड है, गार्ड के जो स्लाइडर्स है वो टूट चुके हैं। इसके लिए मुझे गार्ड बदली करना है, तो मैं अभी ठाणे जा रहा हूँ सह्याद्री मोटर्स में। और बाकी की जो भी कहानी है, कैसे हुआ एक्सीडेंट एंड ऑल, तो मैं अभी बाइक पे बैठ के आपको बता रहा हूँ। और उसके पहले इसका हेलमेट भी कलेक्ट करना है वाशी से, सो लेट्स गो। सो ऑलमोस्ट 15 दिनों के बाद मैं अभी बाइक पे रिटर्न आया हूँ। तो बेसिकली एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। रात का समय था, अंधेरा था उस रास्ते पे जिस रास्ते पे मैं गया था, एंड रास्ते पे आगे था ट्रेलर और साइड में काम चल रहा था। ट्रेलर में भी 100-200 मीटर दूर रहेगा। तो आई वॉज क्रूजिंग एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 70-80। मैंने ट्रेलर को ओवरटेक किया। मेन मतलब मेरा जो उस टाइम वाइजर था हेलमेट का, वो ब्लैक कलर का था, टिंटेड वाइजर था। ये मेरी गलती है और मैं लाइट लगाने वाला था नॉर्मली। अभी ऑफकोर्सली अंधेरा जिधर है तो वहाँ पे फॉग लाइट में लगा के बाइक चलाता हूँ। और उतने में आगे आ गया एक खड्डा। खड्डा स्किप करने के लिए मैंने बाइक लेफ्ट में टिल्ट की और उसके आगे था एक पत्थर, एंड उस पत्थर पे जाके गाड़ी स्लिप हो गई। स्लिप होते होते गाड़ी घिसते घिसते गई, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा स्पीड नहीं थी। अभी ये एक प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद मुझे पाम्स में, हाथ में लगा है, इवन कोने पे भी लगा है। मेरा जो राइट हैंड था वो स्ट्रेच भी नहीं हो रहा था पूरा। बहुत लोग जमा हो गए थे वहाँ पे, हेल्प की उन्होंने, सो थैंक्स टू एवरीवन। उसके बाद मैंने दोस्त को फ़ोन किया, प्रदीप को, थैंक्स टू प्रदीप स्पेशली। उसने ही फिर बाद में सारी प्रोसीजर की, हॉस्पिटल में लेके गया, घर पे छोड़ा मेरे को, एंड बाइक भी उसी ने चलाया बाद में। उस टाइम से मैंने डिसाइड कर लिया कि कभी भी मैं कहीं पर भी जाऊँ बाइक पर, तो मैं ग्लव्स और जैकेट को भी ऐड ऑन करूंगा हेलमेट के साथ। क्योंकि नॉर्मली मैं कभी भी जाता हूँ बाइक पे तो बिना हेलमेट का कभी भी बाहर नहीं निकलता अब गाड़ी, लेकिन आगे से ग्लव्स और जैकेट कंपलसरी मैं यूज़ करने वाला हूँ। ऑल दो फिर वो लेदर का भी जैकेट हो तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा रनिंग सिटी में रहता है ज़्यादातर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 किलोमीटर दिन में चलाता हूँ, तो इसके लिए आज मैंने ग्लव्स भी पहने और जैकेट अभी इसके लिए नहीं पहना है क्योंकि मुझे एल्बो में अभी भी लगा है, तो थोड़ा वो रिकवर होने में और 2-4 दिन जा सकते हैं। अभी राइट हैंड भी मेरा अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। बट मैं भी आपको यही बताना चाहूँगा कि कभी भी बाइक पे अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो प्लीज़ पहना करो, कि अपने को मालूम है कि ये बाइक क्या चीज़ है। अगर इसको खींचने जाओ, आप भगाने जाओ तो बहुत भागती है। तो जितना एडवेंचर, जितना मज़ा उसमें आता है उतना ही रिस्क उसमें रहता है। राइड पे भी हम लोग जाते हैं तो ऑलमोस्ट हर गियर में पहन के जाता हूँ। सिर्फ मेरे पास नी गार्ड नहीं है तो वो भी जल्दी ले लूँगा मैं। बस यही है, बाइक अभी तक धुली नहीं है क्योंकि ये ऐसी खड़ी थी। रियर ब्रेक लीवर जो है तो वो भी बेंड हो चुका है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, और शूज़ भी मैंने पहन लिए हैं। शूज़ ऐसे ही पड़े पड़े घर पे, उसको फंगस पकड़ेगा, इससे अच्छा यूज़ करो, यूज़ टू हो जाएंगे और क्या। तो यही है, देखो इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये मेरी गलती थी कि मैंने ब्लैक टिंटेड वाइजर उस टाइम यूज़ किया, अंधेरा था, और नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन हो गया, अभी गलती हो जाती है इंसान से, तो कोई बात नहीं। चलो जी, ऑलमोस्ट पहुंच रहे सह्याद्री मोटर्स।
चलो गार्ड तो फिट हो चुका है अच्छे से, सिर्फ इसका वायरिंग बाद में कर लेंगे घर पे जाके, ये सिर्फ इधर चिपका देने का है, बाकी तो एकदम नया हो गया। होऊन जाईल याच्यात कदाचित, इथे होऊन जाईल। हां धक्का द्यायला लागेल फक्त तसं। रेडी 2 3 चलो गार्ड भी लग गया है, अभी बैटरी का जो इशू है वो सॉल्व करना है, बैटरी चेंज करनी है, बट अभी फुल ऑन मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है एंड गाड़ी फिर से रिस्टोर हो चुकी है मोस्टली, तो सही लग रहा है। जस्ट ये अभी ब्रिज चढ़ने के पहले और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बता दूँ जो हुआ। अच्छे से ही स्पीड में जा रहे हैं हम लोग 40-50, क्योंकि ट्रैफिक है ऑफकोर्सली भगा नहीं सकते, तो हमारे आगे एक बंदा था। कार वाले कैसे करते हैं कि जब कोई पोटहोल आता है, कोई खड्डा आता है, तो वो खड्डे को सेंटर में लेके साइड से वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग उनके पीछे है तो डेफिनेटली हम लोग उस गड्ढे में जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, इतना बेकार वाला गड्ढा था वो गड्ढा, बीच में पत्थर, फिर से गड्ढा और उसके बाद प्लेन रोड, उस पर गया और उसकी वजह से हमको दिखा वो, तो हमने बाइक स्लो कर ली अच्छे से और हम लोग ने भी साइड से निकाल ली, थोड़ी सी गई अपनी भी गाड़ी गड्ढे में, लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं है। बहुत से बार अपनी गलती रहती नहीं है इसमें जब आप ट्रैवल करते हो, लेकिन अपने को दिमाग में रखना है कि आप ऐसे रोड्स पर ट्रैवल करते हो जहाँ पे अच्छा रास्ता रहता है और बीच में ही अचानक गड्ढा आ जाता है, तो इसका ध्यान तो अपने को ही रखना पड़ता है। और हमेशा फिर कुछ होने के बाद बाइकर्स की गलती या तो फिर जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी गलती रहती है। ये कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधा नासिक जा रहे हैं हम लोग। सन और थोड़ा नीचे रहता तो और अच्छा लगता था सनसेट का टाइम, अभी तो 9:52। अरे पी के आया है ये भी, 4:48 हो रहा है, विंटर्स में जल्दी सनसेट होता है और मुंबई में तो ठंडी का ज़्यादा नामो निशान भी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे पेड़ बहुत है तो वो एक एडवांटेज है, वहाँ पे थोड़ा फील होता है ठंडी का, लेकिन मेन सिटी में अगर आप रहते हो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठंडी है क्या है कुछ नहीं, अलग ही फील आ रहा है स्लो चलाने में। अभी 60 के मेरे ख्याल से ऊपर तो गए नहीं रहेंगे हम लोग, 60-65 ज़्यादा से ज़्यादा बस। जहाँ से स्टार्ट किया था पीछे से वही पे हम लोग एंड कर रहे हैं उसके अपोजिट, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। सॉरी फॉर दिस नॉइज़, क्योंकि गाड़ी बंद नहीं कर सकता मैं, और अगर बंद की तो फिर से धक्का मारना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये देख सकते हो ये एक प्रॉब्लम था, उसके बाद जो गार्ड टूटा था वो, और उसके बाद गार्ड जब बॉडी पे इम्पैक्ट कर गया तो यहाँ से भी निकल गया ये, देखिए ये तो पहले से थोड़ा क्रैक था, इतना बड़ा नहीं था, बट फिर भी अभी वो बढ़ चुका है। इसके बाद यहाँ पे दिख गया है और ये पार्ट टूट गया है, और उसके बाद ये पार्ट भी दिख चुका है लेकिन ये टूटा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये भी टूटता तो मुझे नया मंगाना पड़ता था, बट बाकी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम तगा तगा। राहुल भाई का SMK हेलमेट नया, ये इसने डीलर से ही लिया है, तो इसको कितने में आया? 3700। और ओरिजिनल कॉस्टिंग थोड़ी महंगी है बट डिस्काउंट करके इतने मिले, और अभी हेलमेट्स के प्राइस और बढ़ने वाले हैं, इनफैक्ट बढ़ चुके हैं आगे। तो इसके साथ इसको बैग भी मिली है SMK की, जिसमें हम लोग ने बॉटल रखी थी, वो बॉटल भी सह्याद्री मोटर्स नहीं रहेगी। 15 दिन के बाद मैं बाइक पे बैठा हूँ आज एंड मज़ा आया, सिर्फ इसका छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर करके अभी एक लॉन्ग मारने का मारना है ना, लॉन्ग मारेंगे और ये मंथ में नहीं, थोड़ा आराम से, क्योंकि अभी उस इंसिडेंट एक्सीडेंट से मैं बाहर निकला हूँ, तो मुझे फिलहाल मैं थोड़ा सा यूज टू होने गए, एक बार यूज टू हो गए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए तो फिर कोई टेंशन नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो अपना इंडियन फ्लैग NMMC है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग। टाटा टाटा।